तो अब हम लेते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एस्केलेटल डिसऑर्डर। बहुत आसान है, इतना फिजियोलॉजी पढ़ चुके हैं कि आप चीजों को कोरिलेट कर लेंगे, ठीक है। हम एस्केलेटल डिसऑर्डर में दो डिसऑर्डर पढ़ते हैं मेनली, एक तो पढ़ते हैं ऑस्टियोपोरोसिस और एक पढ़ते हैं आर्थराइटिस। पहले पढ़ते हैं हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें वर्ड को पकड़ो, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन, ये ओ है ओ, ऑस्टियो मतलब बोन, पोर मतलब छेद, सिस मतलब प्रोसेस। बोन में ना छेद होने लगता है, बोन वीक होने लगता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस। पता है ऑस्टियोपोरोसिस ने दो कारणों से होता है, एक तो होता है एज रिलेटेड डिसऑर्डर, तो वो तो अगर कॉमन है, वो सभी को होता है, बुढ़ापे एज में सभी को होता है, ओल्ड एज में, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस। उसका कारण पता है क्या होता है, खास करके जो फीमेल होती है, जो मीनोपॉजिंग फीमेल होती है, ठीक है, आप गौर करना, बूढ़े दादा वगैरह कम, बूढ़े जब होते हैं तो दादा वगैरह कम उठने बैठने में परेशानी फील करते हैं, जितना दादी लोग करती है, नानी लोग करती है। जैसे ही 50 साल गुजरने लगता है महिलाओं का, तो आप गौर करना, वो उठने बैठने में बार बार हाय राम हाय बाप, ये उनके मुंह से निकलता ही खड़ता है, निकलता है, खास करके महिलाओं के, पुरुष के कम निकलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ, हॉर्मोन्स में याद करो, एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो हड्डी को मजबूत बनाता है। एस्ट्रोजन विटामिन डी के जैसा एक्ट करता है, क्या, बोन्स में कैल्सिफिकेशन कराता है, बोन्स में मटेरियल को डिपोजिट करवाता है, तो एस्ट्रोजन जो है बोन को मजबूत बना के रखता है। लेकिन जब फीमेल हो जाती है मीनोपॉजिंग, उससे पहले वो अब तक 40 साल के तक क्या की, एस्ट्रोजन पे डिपेंडेंट थी अपने बोन के स्ट्रेंथ के लिए, अब क्या हो गई वो मीनोपॉजिंग, ओवरी उसका हो गया नॉन फंक्शनल, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ नहीं रहा है, सारे गुणियां खत्म हो गए हैं, अब उसका ओवरी नॉन फंक्शनल हो गया, तो अब उसके ओवरी से ऑस्ट्रोजन भी नहीं आ रहा, कॉर्पस लुटियम नहीं बन रहा, तो ऑस्ट्रोजन नहीं आ रहा है, तो अगर ये सब खेल हो रहा है, तो अब ऑस्ट्रोजन नहीं रहेगा, तो जो हड्डी को मजबूत बनाने वाला था वो तो गया, अब हड्डी होने लगेगा कमजोर, धीरे धीरे डिसऑर्डर उसमें पोर होने लगता है, तो इसी को बोलते हैं एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, मोस्ट कॉमन इन ओल्ड एज फीमेल एज कंपेयर टू मेल, मेल में भी होता है लेकिन फीमेल में ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए आज के बाद जब भी बूढ़े लोगों में इस चीज देखना कि बूढ़ी माता वगैरह हायबाप हायराम कर रही है, समझ लेना इसको एज रिलेटेड डिसऑर्डर का शिकार ये हो चुकी है, और हर किसी को होता है लगभग लगभग, इंडिया में तो खास करके होता ही होता है सभी को, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़ा स्टार्टिंग से कम ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो होता ही होता है। एक होता है हार्मोन रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस, तो वो कौन सा, अभी ये भी हार्मोन रिलेटेड ही था लेकिन ये एज से रिलेटेड है, एज आएगा मेनोपॉज आएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस तो जाएगा जाएगा सही, वो तो होना ही है। लेकिन एक होता है ड्यू टू एक्सेस पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन, याद आ रहा है किसी को, पीटीएच क्या करता है, हड्डी को मजबूत बनाता है कि कमजोर बनाता है, बोल, पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, बोन में, जैसे बोन है, ये बोन है, अगर बोन में कहीं पे भी, हाँ बोन में कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा पार्ट है तो पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, उसको डिजोल्व कर देता है। तो अगर नॉर्मल कंसेंट्रेशन पीटीएच का है, दैट इज द गुड फॉर हेल्थ, वो बोन के एक्स्ट्रा कैल्सिफिकेशन को इनहिबिट करता है, रोकता है। लेकिन अगर पीटीएच का सिक्रीशन एक्सेस हो जाए तो बोन के एक्स्ट्रा पार्ट को तो हटाएगा ही सही, बाकी बोन के मेन मेन पार्ट को भी काट काट के हटाने लगेगा, समझ लो, बोन के मेन मेन पार्ट को भी काट के हटाने लगेगा, और इस कदर बोन में होने लगेगा छेद, ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू एक्सेस पीटीएच, एक्सेस पैराथायराइड हार्मोन, ड्यू टू एक्सेस पैराथायराइड हार्मोन, या फिर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। देखो विटामिन डी एज रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं काउंस करेगा, अब विटामिन डी भी को भी आपको पता, विटामिन डी क्या करता है, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को बोन में जाके डिपॉजिट करता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। तो जब विटामिन डी आप खाते ही नहीं हो तो फिर तो क्या होना है, विटामिन डी अगर नहीं खा रहे हो, विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, तो हड्डी में तो कमजोरी आएगा ही सही, पोर तो होगा ही उसमें सही। तो सुनना ध्यान से, अगर विटामिन डी की कमी हुई तो भी ऑस्टियोपोरोसिस, पीटीएच का एक्सेस हुआ तो भी ऑस्टियोपोरोसिस, लेकिन ये दोनों एज रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है। वो तो आज से मैं विटामिन डी खाना शुरू कर दूं, मेरा हड्डी कमजोर हो जाएगा, बूढ़े का क्या बोल रहे हो। लेकिन जो मैंने बात किया कि एस्ट्रोजन की कमी, ये तो भाई साहब एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, वो तो फीमेल को एक एज पर होना ही होना है, कोई रोक नहीं सकता मेनोपॉजिंग से, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस दो प्रकार का, एक तो एज रिलेटेड, अब इन जनरल ऑस्टियोपोरोसिस को एज रिलेटेड ही बोलते हैं, कारण समझ में आया, क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तो सबको होना है, ये तो सबको होना है। लेकिन एक्सेस पीटीएच एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी आल्सो रिजल्ट्स इन द ऑस्टियोपोरोसिस। अब मुझे बताओ ज्यादा खतरनाक कौन है, फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला, ज्यादा खतरनाक कौन, सेकंड वाला, सेकंड वाला आंसर सही है, सेकंड वाला, कोई कारण बताओ सर, क्योंकि ये तो सब हो सकता है,
सेकंड वाला सबको हो सकता है, नहीं ऐसा भाई, ऐसा नहीं है कि सबको हो सकता है इसलिए खतरनाक। इसको इस एग्जांपल से समझो, अगर घर में कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति गुजर जाए, ऐसा कभी होना किसी के घर में, अगर किसी के घर में कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति गुजर जाए जो घर को चलाता था, ठीक है, पैसा कमाता था, घर में सबको डिसिप्लिन वे में रखता था, पढ़ाता लिखाता था सबको, ठीक है, देखभाल करता था, वो गुजर जाए, थोड़ा नुकसान तो होता है घर का, ठीक है, लेकिन एक समय आता है 4-5 साल बाद कि घर वाले एडजस्ट कर लेते हैं, भूल जाते हैं उसको, ठीक है, ऐसा होता है सोसाइटी। तो किसी की कमी होना, तो हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात कर रहे हैं, ये भी नुकसान दे रहा है। बट जो पीटीएच की एक्सेस है, अभी मैं विटामिन डी वाले को छोड़ रहा हूँ, अभी रुक जाओ, उसको एक अलग कैटेगरी मिलूंगा, सेकेंड ये है, ठीक है। हाँ, तो जो पीटीएच की एक्सेस है, जो एक्सेस जब भी कोई चीज होता है ना, वो ज्यादा तबाही मचाता है। जैसे अभी तो मैंने क्या बोला कि घर से कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति गुजर जाए तो नुकसान होगा, सही बात है। अब अगर घर से कोई गुजरे नहीं, उल्टा घर का ही एक मेंबर ओवर होने लगे, जैसे कोई घर का कोई मेंबर शराबी बन गया, फिर जो तबाही होती है घर की, वो तबाही एज कंपेयर टू उसके कंपेरिजन जो घर का व्यक्ति गुजरा था, उससे तो ज्यादा तबाही ये मचा देता है जिंदा रह के, ये पूरी तरीके से घर को नुकसान कर देता है। तो जो एक्सेस में है वो तो भाई साहब जहां जाएगा वहां हड्डी को गलाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है तो धीरे धीरे बोन वीक होता है, ये तो मानता हूं मैं, लेकिन अगर कंपैरेटिवली देखा जाए कि कौन ज्यादा खतरनाक, तो पीटीएच का एक्सेस ज्यादा खतरनाक एज कंपेयर टू एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी एंड एज कंपेयर टू विटामिन डी की डेफिशिएंसी, ये भी कम खतरनाक, थर्ड भी कम खतरनाक, सबसे ज्यादा खतरनाक पीटीएच की एक्सेस। सो दिस इज एज रिलेटेड डिसऑर्डर। बोन का इसमें क्या होने लगता है, धीरे धीरे कमजोर वीक होने लगता है, फ्रेजाइल होने लगता है, कभी भी बोन टूट सकता है, ऐसा होने लगता है, बोन का मास घटने लगता है, ये सब होता है, ठीक है। फिर और क्या होता है ओल्ड एज में, जैसे मान लो कि ज्वाइंट था, फॉर एग्जाम्पल इधर से भी एक ज्वाइंट था, ठीक है, अब मान लो कि ये बोन इसके बीच का क्या होने लगा, बोन में इसमें घिसने लगा बोन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एस्ट्रोजन या एक्सेस पीटीएच, तो अब क्या होने लगता है कि ज्वाइंट जो होता है वो थोड़ा प्रॉपर नहीं बच पाता है, तो मूवमेंट भी अच्छा नहीं हो पाता है। तो क्या होता है कि जब भी वो मूवमेंट करना चाहती है फीमेल या कोई भी पर्सन जो जो इस डिसऑर्डर का शिकार हुआ है, तो दोनों हड्डियां ना आपस में टच करने लगता है इसकी वजह से, क्योंकि सब कुछ घिस गया है, और जब घिसता है टच होता है तो बहुत भयंकर पेन होता है, तब वो करती है हाय बाप हाय राम। तो ये है ऑस्टियोपोरोसिस। क्या इलाज है इसका, आप क्या कीजिए, बॉडी में विटामिन डी का पहले डेफिशिएंसी मत होने दीजिए, पहली बात। दूसरा, अब तो क्या होता है कि जो ओल्ड एज फीमेल है वो एस्ट्रोजन का थेरेपी भी करा लेती है अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है तो, ये सब होता है, ठीक है। या फिर एक और ट्रीटमेंट आया है एंटी पीटीएच हार्मोन, ऑस्ट्रोजन घट गया, बुढ़ापे में घटना ही था, तो एक काम कीजिए बॉडी में, अब बॉडी में क्या कैल्सिफिकेशन होना है, तो कैल्सिफिकेशन होना नहीं है, जितना हड्डी बनना था बन गया, ओल्ड एज में आ गया, तो जो भी पीटीएच अभी भी है उसको और घटा लीजिए, एंटी पीटीएच हार्मोन इंजेक्शन ले लीजिए। कई सारे ट्रीटमेंट हैं अब तो, ठीक है, लेकिन अर्ली टाइम में पहुंचोगे तब हड्डी में छेद हो गया, उसके बाद ट्रीटमेंट लगभग मुश्किल हो जाता है, ठीक है, उससे पहले पहुंचना होता है। तो ये तो हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। अब चलते हैं हम क्या, आर्थराइटिस। आर्थो मतलब वर्ड होता है ज्वाइंट, ऑस्टियो मतलब होता है बोन, आर्थो मतलब होता है ज्वाइंट, आइटिस मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सानेवियल ज्वाइंट पढ़ाया था, याद है, ये बोन, ये दूसरा बोन, अच्छा, इन दोनों को यहां पे जो कार्टिलेज था इसका क्या नाम था, कोई बताएगा, आर्टिकुलर कार्टिलेज, अच्छा, ये जो मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन का नाम बताएगा कोई, सानेवेल मेम्ब्रेन, और ये कैविटी, सानेवेल कैविटी, और उसमें फ्लूड, सानेवेल फ्लूड, और दिस वन इज लिगामेंट, जो दोनों बोन को जोड़ के रख रहा है कैप्सूल के फॉर्म में। अब होता क्या है, आर्थराइटिस तीन प्रकार का होता है, एक होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, और एक होता है गाउटी आर्थराइटिस। पहले मैं बात कर रहा हूं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पता है, अभी मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा आपका हेमिनेल्थन डिजीज, उसमें बताऊंगा। कई बार क्या होता है ना, हमारे बॉडी के ही खिलाफ एंटीबॉडी बन जाता है, इन जनरल एंटीबॉडी बनाना होता है अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से हमारी बॉडी में आया, हार्मफुल है, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे बॉडी के ही खिलाफ एंटीबॉडी बन जाता है, कई बार ऐसा होता है। उसी में से एक एग्जांपल है कि तो साइनोवियल मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं ना, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के खिलाफ बन जाता है हमारे ही बॉडी में एंटीबॉडी, दैट इज द आईजीएम, एंटीबॉडी का टाइप है। और ये आईजीएम क्या करता है,
इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में करा देता है इन्फ्लामेशन और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन सूज जाती है, और जब ये सूजती है तो ये एक्सेस फ्लूड सिक्रीट करने लगती है। यस, तो जब एक्सेस फ्लूड सिक्रीट करने लगती है तो दोनों हड्डी के जो किनारे उस पर जोर पड़ता है तो पर्सन को दर्द होता है। अगर वो स्टार्टिंग में दर्द को महसूस किया और डॉक्टर के पास चला गया तब तो वो क्या करता है, आईजीएम को कैसे भी निमाइज करता है, न्यूट्रलाइज करता है और साइनोवियल मेम्ब्रेन को ठीक कर लेता है और ज्वाइंट खत्म होने से बचा लेता है। लेकिन पर्सन होता है इतना थोड़ा बहुत दर्द तो होते रहता है, हम तो शक्तिमान है, हमको क्या हो जाएगा। तो क्या है, साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन बढ़ता जा रहा है। एक समय ऐसा आता है कि साइनोवियल मेम्ब्रेन टॉक्सिक ग्रेन्यूल सिक्रीट करने लगता है, दैट इज द पेनस। पेनस ग्रेन्यूल साइनोवियल मेम्ब्रेन सिक्रीट करने लगा, पहले तो एक्सेस फ्लूइड सिक्रीट हुआ, दर्द हुआ, अब डॉक्टर के पास नहीं गए, ट्रीटमेंट नहीं लिए, तो साइनोवियल मेम्ब्रेन का इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, अब वो सिक्रीट करने लगा पेनस ग्रेन्यूल। और पता भी है आपको पेनस ग्रेन्यूल क्या करता है, ये पेनस ग्रेन्यूल, ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज आपको दिख रहा है ना, इस आर्टिकुलर कार्टिलेज को इरेज करने लगता है। ओके, और पता है जब ये आर्टिकुलर कार्टिलेज इरेज हो जाती है और तब जाके जब आप मूवमेंट शो करते हैं इस साइनोवियल ज्वाइंट के हेल्प से, तो ये दोनों हड्डियां टकराती है। और पता है जब जब ये टकराती है दोनों के बीच में फ्यूजन होने का संभावना होता है। एक समय पहले तो दर्द करता, बहुत भयंकर दर्द करने लगता है, फिर उसके बाद फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, धीरे 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 ऐसा होता है पूरे पेनस ग्रेन्यूल वहां पे भर जाता है और दोनों बोन को जोड़ देता है और ज्वाइंट हो जाता है इमूवेबल। फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, वो हायर क्लासेस की बातें, फिर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फिर ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कराएंगे। तो ये है रिमेटाइड आर्थराइटिस। क्या होता है इसमें, मैं सारी बात फिर से बोल देता हूँ, क्या होता है, इट इज ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्यों हुआ साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लामेशन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। सो दिस इज द केस ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, खुद का ही बॉडी खुद का ही डिसऑर्डर काउज करा लिया, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो साइनोवियल मेम्ब्रेन सीक्रेट्स मोर साइनोवियल फ्लूइड, सो पेन अकर्स। अगर आप यहां तक ट्रीटमेंट करा लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं कराया, ठीक है, देन साइनोवियल मेम्ब्रेन स्टार्ट सीक्रेट पेनस ग्रेन्यूल्स विच इरेज आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड ज्वाइंट बिकम इमोवेबल। फिर तो इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, और इसका मतलब होता है टू टेक ट्रीटमेंट। फिर तो भाई साहब ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कराइए, कोई उपाय नहीं है, खेला समाप्त है आपका, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया भाई साहब का, रिमेटाइड आर्थराइटिस। फिर एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, इसमें पता क्या होता है, ड्यू टू द ऑसिफिकेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये जो आप कार्टिलेज देख रहे थे ना, आर्टिकुलर कार्टिलेज, कई बार क्या होता है ये बोन बन जाती है, कार्टिलेज बोन बन जाती है, और धीरे 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 क्या करती है, ये दोनों जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है बोन बनते 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 ये दोनों आपस में क्या हो जाती है, टच हो जाती है और ज्वाइंट बिकम्स इमूवेबल, दैट इज द ऑस्टियो आर्थराइटिस। मतलब कार्टिलेज का ऑस्टियो में कन्वर्ट होना, बोन में कन्वर्ट होना, दैट इज द ऑस्टियो आर्थराइटिस। और एक होता है गौटी आर्थराइटिस, नाम सुना भी होगा, गौटी कठिया। इसमें क्या होता है, जो आपका पायरिमिडीन होता है, मतलब कि एक तरीके से बोलो कि न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, तो जो प्यूरीन मेटाबॉलिज्म होता है उसके मेटाबॉलिज्म में यूरिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है। अगर उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, और ये यूरिक एसिड आपके साइनोवियल कैविटी में फ्लूइड जो है उसमें जाके एक्युमुलेट होने लगता है, और जब उसमें कोई भी पत्थर जाके एक्युमुलेट होने लगेगा तो बताओ ज्वाइंट अच्छे से मूव कर पाएगा, नहीं ना, दैट इज द केस ऑफ गौटी आर्थराइटिस। तो आप सीधा याद रखेंगे आर्थराइटिस एक रोग है। आर मतलब रिमेटाइड आर्थराइटिस, ओ मतलब ऑस्टियो आर्थराइटिस, जी मतलब गौटी। आर्थराइटिस एक रोग है। तीन टाइप का आर्थराइटिस, रिमेटाइड, ऑस्टियो, गौटी। रिमेटाइड में एंटीबॉडी बनता है, आईजीएम एंटीबॉडी बनता है, उसकी वजह से पूरा का पूरा आर्टिकुलर कार्टिलेज इरेज हो जाता है, इसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें साइनोवियल कैविटी में यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन होने लगता है ज्वाइंट पर। दिस इज द स्केलेटल डिसऑर्डर। अगर इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। अभिषेक? नो सर। रिवा? नो सर। सृष्टि? विवेक? बोलो सृष्टि। सर जो आप बता रहे थे कि फीमेल में जो है यहाँ पे इंडिया में ज्यादा होता है, क्योंकि उन लोग ध्यान नहीं देते हैं उसका कारण, हाँ उसका कारण ये है
ये देखो फॉरेन कंट्री वगैरह में क्या होता है ना कि आपको मैंने रिप्रोडक्शन भी बताया होगा, अगर आपने ये चीज देखा होगा तो फॉरेन कंट्री में क्या होता है ना कि वहां पे ना ब्रेस्ट के साइज का थोड़ा फैशन चलता है, ठीक है, लार्ज ब्रेस्ट साइज मोर फैशनेबल माना जाता है। तो वो लोग क्या करती है ना, ओल्ड एज तक भी एस्ट्रोजन थेरेपी कराती है ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने के लिए, ठीक है, फैशन के तौर पर वहां लार्ज ब्रेस्ट साइज फैशन माना जाता है फॉरेन कंट्री में, ठीक है। तो यहाँ पे उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते, यहाँ पे भी होता है, सिटीज वगैरह में होता है, मुंबई वगैरह सब में, दिल्ली वगैरह सब में खूब होता है, ठीक है। तो अब ऑस्ट्रेलियन की तो कमी है नहीं, तो उसको कहाँ से होगा वो डिसऑर्डर, इसलिए उन लोगों को डिसऑर्डर नहीं होता। लेकिन दूसरा डिसऑर्डर होता है, एस्ट्रोजन के अधिकता से भी बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, वो सब कैंसर वगैरह भी होता है, ठीक है, सब मैं रिप्रोडक्शन में चर्चा कर चुका हूँ। तो ये डिसऑर्डर नहीं होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना यहाँ पे ज्यादा है, वहां पे ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना कम, ये मैं बोल रहा था। और कोई डाउट है? तो दिस इज ऑल अबाउट द स्केलेटल सिस्टम। अब क्या है, दो चार स्पेशल पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या है स्पेशल पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट कि कुछ बोन ऐसे होते हैं जो टेंडन के ओसिफिकेशन से बनते हैं। टेंडन होता है ना जो बोन और मसल को अटैच करता है, वो ना ओसिफाई हो जाता है और वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे बोन, दो बोन है हमारे बॉडी में, वन इज पटेला एंड वन इज पिसिफॉर्म। पटेला आपको पता ही है कहाँ होता है, हैंडलिंग में, और पिसिफॉर्म आपको पता ही है कार्पेल है, हैंड हैंड फोरलिम का कार्पेल, उसी का एक मेंबर है पिसिफॉर्म, ठीक है। तो ये दोनों ही बोन टेंडन के ओसिफिकेशन से बनता है, और इस टाइप के बोन को कहते हैं सिसामोइड बोन। व्हाट इज सिसामोइड बोन? बोन फॉर्म बाय द ओसिफिकेशन ऑफ टेंडन कॉल्ड एज सिसामोइड बोन। दो एग्जांपल सिसामोइड बोन का हमारे बॉडी में, पटेला और पिसिफॉर्म, एक तो ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि हमारे बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन बोन कौन है? स्टेपीज, पहले ही बता रखा हूँ। लार्जेस्ट कौन है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? तो फीमर, ये बात पहले बता रखा हूँ, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आपका बॉडी में टोटल सिसामोइड बोन कितने हैं, फोर, दो है फोरलिम में पिसिफॉर्म, दो है हैंडलिम में पटेला। इच में पूछा जाए, इच फोरलिम में तो वन, फोरलिम में कौन है तो पिसिफॉर्म, और इच हैंडलिम में पूछा जाए वन, कौन है? पटेला। दिस इज ऑल अबाउट स्केलेटल सिस्टम, समाप्त हुआ। अब आप एनसीईआरटी पढ़ लो, पीवाईक्यू लगा लो, सब लग जाएंगे, ठीक है। अगर यहां तक में कोई भी दिक्कत है आप पूछ सकते हैं। अभिषेक? नो सर। दीवा? नो सर। सृष्टि? नो सर। विवेक? नो सर। चलिए अब क्या कीजिए, एनसीईआरटी में समरी इंक्लूडिंग इस पूरे चैप्टर को रीड कर लीजिए, ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ।